हाय दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पीपीटा के, जिसमें आज आपको लाइक नई वीडियो जैसे देखा हो। आप हाल ही में अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ वैकेंसी अपडेट नहीं आ रही थी चैनल पर, क्योंकि जो वैकेंसी बंद हो गई थी। तो अब कोरोना वायरस के चलते वैकेंसी बंद जो थी, अब धीरे धीरे अब अपडेट होने लगी है। गवर्नमेंट साइट पर आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वैकेंसी अपडेट हो रही हैं। एवरी डे अब नोटिस आ रहे हैं, जो कोई कोई कह सकते हो आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी, ऑफिशियल साइट में नहीं मिलेगी, कुछ ऑफिशियल साइट पर आपको वैकेंसी दी जा रही है। तो दोस्तों, एवरी डे आपको रोज न्यू न्यू वैकेंसी मिलती रहेगी। आप फॉर्म भर सकते हैं, न्यू नोटिफिकेशन जान कर ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही जानकारी मिलने वाली अच्छी। जैसा कह सकते हैं, अब जो गवर्नमेंट फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, तब निकलने वैकेंसी ओपन हो चुकी है। तो कह सकते कुछ में ज़्यादा वैकेंसी है, कुछ में कम है। तो आज हम लाए एक वीडियो आपके लिए। कह सकते हैं IDP के फॉर्म ओपन हो चुके हैं, तो इसकी वैकेंसी आपकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो लास्ट तक वीडियो को बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो को रोज अपडेट मिलती रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो कह सकते हैं सरकारी जेल पर देख सकते हैं आपकी ऑफिशियल साइट आपकी है। तो इस पर ITBP की तरफ से फॉर्म आया है अभी हाल ही में ही। तो कभी अप्लाई ऑनलाइन होगा, कब इसकी डेट एलिजिबिलिटी है, जिसके फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी आपको। ITBP कॉन्स्टेबल स्पोर्ट कोटा की तरफ से वैकेंसी है। जिस बच्चों ने स्पोर्ट कोटा किया हुआ है, गर्ल्स या मेल ने, तो वही अगर वैकेंसी फॉर्म को भर सकते हैं। तो कौन सी वैकेंसी ओपन करके देख सकते हैं इसे, सब ओपन करेंगे आप। तो कुछ एलिजिबिलिटी इसमें दे रखी है, कब तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म होगा ये, तो दोस्तों देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो आपका आया है 11 तारीख में इशू हो चुका है, और जो आपका फॉर्म ओपन होएगा वो 13 जुलाई से आपका ओपन हो जाएगा। और जो उसकी लास्ट डेट है आपकी, उसकी 26 अगस्त लास्ट डेट है। और SC ST जनरल सर्विस तो कास्ट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC में कुछ और फीस दे रखी है, और SC ST में कोई फीस नहीं है। और कैटेगरी फीमेल में से कोई, अगर जो लेडीज हैं, जो फीमेल है, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई सी कैटेगरी में हो। तो हाइट वगैरह देख लेते हैं, क्या क्या इसमें एज दे रखी है। तो दोस्तों देख लेते हैं वैकेंसी आप किस चीज़ की, आप देख लेते हैं यहाँ पर जो दिया गया आपको कॉन्स्टेबल इन स्पोर्ट कोटा। जिस बच्चों के स्पोर्ट कोटे किए हुए हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। नीचे आपको दी जाएगी डिटेल पूरी, नोटिफिकेशन जो आपको पूरी डिटेल ली जाएगी लास्ट। तो वीडियो तो बने रहिए। वैकेंसी टोटल आपकी 51 पोस्ट है। एज लिमिट दे रखी है 18 से 23 साल में दे रखी है। हाई स्कूल का आपके पास होनी चाहिए, वो आप जो स्पोर्ट कोटा किया हुआ, ये मेडिकल नेशनल से इंटरनेशनल हो, गेम्स हो, पार्टिसिपेट किया हो, तो इसमें देखा पार्टिसिपेट का भी आप बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइट मैक्सिमम दे देते हैं आप, जो हाइट होती है आपकी जनरल की मैक्सिमम जो अप्रोच है, 1 तरफ की हाइट मांग रखी है, 1 सेंटीमीटर मांगी हुई है। फीमेल के लिए 157 मांगी हुई है। और कहते हैं जो पहाड़ी गढ़वाल लोग होते हैं हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर साइड के, 165 हाइट मांगी हुई है। और ST कास्ट में आपकी 160.2 सेंटीमीटर हाइट मांगी हुई है। चेस्ट देख सकते हैं, चेस्ट आपकी नॉर्मल होती है, आपको देख के 80-85 सेंटीमीटर नॉर्मल आपको फ्लाव के साथ देनी होती है। लेडीज के लिए कोई फो नहीं है। और देखते हैं किस कौन से बच्चे सब कर सकते हैं, जितना स्पोर्ट कोटे है। बॉक्सिंग में क्या होगा, विजिल क्या हो, कबड्डी में क्या हो, एसिंग में क्या हो, वॉलीबॉल में क्या हो, अपने स्पोर्ट्स शूटिंग में क्या हो, ये आइस हॉकी में क्या हो, इसमें अगर एलिजिबल हैं आपके पास स्पोर्ट कोटा है, तो दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। फॉर्म 13 तारीख में ऑनलाइन हो जाएगा। जब आपको ऑनलाइन होगा तो आप स्टेप बाई स्टेप दिखाया जाएगा लास्ट तक। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पूरी जानकारी लेते हैं, और क्या इसमें बेसिक तरीके से दिया हुआ है, जैसा ओपन कर लेते हैं नोटिफिकेशन को। तो आप यहाँ पर सामने आपको नोटिफिकेशन दिख जाता है। तो जिससे इंडो ITBP में कह सकते हैं, इंडो तिब्बत पुलिस जो आपकी होती है, इसमें फोर्सेज ऑफ पुलिस आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है, 51 टोटल पोस्ट निकली हुई है, मैंने अप्लाई करने आपको बता दिया है। देख सकते हैं आप जो फोर्ट कोटा मैंने बताया है, टोटल वैकेंसी में दी है, बॉक्सिंग, विजिलिटी, कबड्डी, एसिंग, वॉलीबॉल, स्पोर्ट और शॉटिंग, आइस हॉकी में दिया हुआ है। अच्छा देख लेते हैं जो आपकी लास्ट डेट में आपको बताई थी, PSL सबका दिया गया है। आप देख सकते हैं PSL आपका 7 दिया गया है, लेवल आपका 3 में है, सैलरी आपका भी सबको दिखा रखा है यहाँ पर। और इस यहाँ पर देख सकते हैं CT जनरल कर सकते हैं, कॉन्स्टेबल में, GT में, स्पोर्ट मैन में, जो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया मैंने आपको शुरू में ही। तो जो पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स मैन में इंटरनेशनल खेला हुआ आपने बच्चों ने, जूनियर स्पोर्ट्स हो, आपके लेवल जिस प्रकार का आपके पास स्पोर्ट कोटा हो, तो यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वंश चलते हैं देखते हैं, और नीचे जो इसमें जानकारी दी गई है, मैक्सिमम पास की हाई स्कूल आपको पास होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, 18 से 23 साल इसके अंदर की एज होनी चाहिए। SC ST में रिलेशनशिप भी देख दिया गया है, 5 साल की छूट दी गई है बच्चों को। OBC में आप देख सकते हैं 5-3 ईयर की छूट दी गई है फॉर्म भरने के लिए। थोड़ी जानकारी लेते हो इसमें रेसिंग में कितना दिया गया है, देख सकते हैं आपका जो ओलंपिक बच्चे हैं रेसिंग के सेमिनार के, जो आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स कितने कितने में से कैसे मिलेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। 100 में से आपके देख सकते हैं गोल्ड मेडल आपको जो जिन्हें लिया हो, चैंपियनशिप में लिया हो, तो
देख सकते हैं कितने पार्टनरशिप आपने किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन में, गोल्ड यूजिन पे, यूथ यूथ ओलंपिक गेम्स में, तो से भी एलिजिबिलिटी रखी है आपकी इस तरह की। और फर्स्ट डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है, अगर फर्स्ट डिफरेंस में आपको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मिला हुआ है, कांस्य पदक मिला हुआ है, तो इस तरह के सर्टिफिकेट आपके पास हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेसिंग वगैरह आप कितनी आपको देनी है, जिसमें आपको शुरू में बताया था, तो हाइट वगैरह आपको दिखा दिए। तो आगे चलते हैं मेडिकल फिटनेस, यहाँ पर देख लेते हैं मेडिकल में आपके लिए क्लियर होनी चाहिए आई, सबकी जो आई साइड आपकी होनी चाहिए 6x6 की होनी चाहिए, मैक्सिमम 6x9 की भी चल जाएगी। अगर आप ग्लास लगाते हैं तो ग्लास देख सकते हैं, ग्लास की भी 6x9 आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम जो विजिबल टाइप का होता है वो 6x6 की होनी कंप्लीट होनी चाहिए जो आपकी आई साइट होती है। नीचे देख लेते हैं टैटू वगैरह आपके पास नहीं होनी चाहिए, अगर आपके पास है तो फिंगर से लेकर कोहनी तक आपके टैटू होने नहीं होना चाहिए, इसमें देख खाइए। और साइज आपके पास 1/4 कप का साइज नहीं होना चाहिए हैंड पर, अगर आपका टैटू बना हुआ है तो। अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दें 213 तारीख में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, लास्ट 26 अगस्त में आपको ये वो क्लोज हो जाएगा। साइट का लिंक आपको दिखा दूंगा कहाँ आपको अप्लाई करना होगा, वो आपको दिखा जाएगा, स्टेप बाई स्टेप करते आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस का मैटर मैंने आपको बता दिया, फीस देख सकते हैं आपको 100 यहाँ पर दी गई है, 100 रुपये। तो इसमें जो कह सकते हैं नो TDA, जिसमें वो TDA नहीं जुड़ा हुआ है और DA भी नहीं जुड़ा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस का कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा, आपको एग्ज़ाम वगैरह होगा, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पर डॉक्यूमेंट्स वेयर करेंगे, एग्जाम देने के बाद फिर डॉक्यूमेंट फिजिकल रजिस्ट्रेशन आपका होगा, उनका जो PHT के बाद फिर मेडिकल भी कराया जाएगा, आपको दिया जाएगा जो पहले आपका PHT होगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका कराया जाएगा। तो इसमें दोस्तों को जिसमें एग्ज़ाम के रिलेशन में कोई नहीं दे रखा है, देख सकते हैं आपके रिलेशन में कोई आपको नहीं दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम हो, तो केवल आपको देगा फिजिकल टेस्ट आपको जाएगा, उसके बाद मेडिकल एप्लीकेशन लेकर आपके लिए बुलाया जाएगा। देख सकते हो थोड़ी सी जानकारी जो दी गई है आपकी फिजिकल टेस्ट में, क्या क्या चीज़ आपको दी गई है, जीवल क्या क्या दिए चीज़ दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी जानकारी आप यहाँ देख लेते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है, जो हाइट वगैरह वेट वगैरह कितना आपको होना चाहिए, तो 148 में आपको दिखाया है, तो हाइट आपकी यहाँ पर एज के हिसाब से आपका कितना वजन होना चाहिए यहाँ पे आपका दिया गया है। 168 आपका हाइट है तो देख सकते हैं 145 के अंदर हिसाब से 45 से 55 का वेट होना चाहिए, ये रेट के लिए हैं, जो लोग फीमेल हैं वो अपने लिए भर सकते हैं। और जो मेल के लिए 165 हाइट है और 169 हाइट, तो 180 आपका वेट होना चाहिए, नॉर्मल आपको इतनी एज में होना चाहिए जितना आपके यहाँ पर दिया गया है। ये एज ऊपर दी गई है, आपका वेट यहाँ पर नीचे दिया गया है, पूरी आप चीज़ देख लेते हैं। इंडेक्स आपको देगा उसमें जो जितनी आपको जानकारी दी गई, तो इस माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। और ये आपको जो इंडेक्स दे रखे हैं परफॉर्मेंस जो दिए हुए हैं, ये कास्ट वाइज दे रखे हैं, ये OBC वाला दे रखे हैं, जो आपको फॉर्म में भरते वक्त डालना होगा। इसमें आपको जो सर्टिफिकेट लगेगा SC कास्ट का, OBC कास्ट का, ST कास्ट का, तो दोस्तों इंटरनेशनल कह सकते हैं आपको जो इंडियन और बनेगा गवर्नमेंट साइड से, तो आपको ये फॉर्मेट भरना होगा। इस फॉर्मेट की मोहर ऊंची तहसील का किया अच्छे ऐसे बनवा सकते हैं, तो इस तरह का फॉर्मेट आपको चलेगा कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST OBC में। दोस्तों देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको नीचे दिया गया है, मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ दिया गया है, इस तरह का आपको बाद में मेडिकल फॉर्म का जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों एक पूरा नोट फिल्म डाउनलोड कर ले, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ऑफिस साइट पर आप ले सकते हैं। ये लास्ट का प्रोसेस आपको दिया गया है, तो इस माध्यम से पूरी जानकारी आपको दी गई है। तो दोस्तों किस प्रकार समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। दोस्तों पूरी जानकारी आपको दी गई है, ये आपको जो वैकेंसी है ये कह सकते हैं ITB में वैकेंसी है, ये स्पोर्ट कोड से पूरी जानकारी दी गई, कुछ समस्या आपको कहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। और ऐसी नई नई वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी अपडेट रोज अपडेट मिलती रहेगी, एवरी डे मिलेगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।